माइनक्राफ्ट हार्डकोर, अगर तुम एक बार भी मरते हो तो तुम कभी स्पॉन नहीं होते। एंड ये मेरे माइनक्राफ्ट के हार्डकोर का वर्ल्ड। एंड इधर आज मैं बनाने वाला हूँ एक शल्कर फार्म फैक्ट्री। तो रीजन क्या है कि मैं शल्कर फार्म बना रहा हूँ, तो बेसिकली यार अभी अभी मैंने सोचा था कि यार मैं एक बनाऊंगा आयरन फार्म फैक्ट्री जो कि 1 लाख आयरन देगा 1 घंटे के अंदर। बट अब उधर ही ये गड़बड़ आ चुकी थी, पर उस आयरन को कलेक्ट करने के लिए यार मुझे लग जाएंगे 63 शल्कर्स, और अगर हम वही मशीन 10 घंटे तक चलाएंगे तो हमें चाहिए होंगे 630 शल्कर। तो उसके लिए यार शल्कर्स की तो यार बहुत ज्यादा कमी पड़ जाएगी, तो आज वही कमी मिटा देते अपन एक शल्कर फार्म फैक्ट्री बना के। तो बेसिकली अभी मैं मटेरियल लिस्ट देख रहा था, तो इसमें 2000 स्कैप फोल्डिंग लगेगी, ओके हो जाएगा स्लैब्स एंड इतना रेड शून्य इतना 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 भाई इतनी स्कैप फोल्डिंग किधर से आएगी। ओके स्कैप फोल्डिंग का हो जाएगा जुगाड़। ओके मटेरियल एंड फार्म बनाने से पहले सबसे मेन चीज है लोकेशन। तो यार लोकेशन क्या होनी चाहिए, बेसिकली हम इस फार्म को एंड में बनाएंगे, हम ओवरवर्ल्ड में भी बना सकते हैं बट यार एंड सादा मैं प्रेफर करता हूँ। एंड क्योंकि यार फार्म के अंदर शल्कर चाहिए तो यार हम उसको एंड सिटी के बिल्कुल आगे या मतलब थोड़ी सी एंड सिटी के पास ही बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को ढूंढनी पड़ेगी एक एंड सिटी, एंड उसके लिए चाहिए होंगे बहुत ज्यादा फायरवर्क्स। एंड जो यार ये मेरा यार मॉब फार्म है ना यार, वो इतने यार गन पाउडर देते नहीं कि मैं इतने सफिशियंट फायरवर्क रॉकेट बना सकूं। तो इसलिए सबसे पहले अपन बनाते हैं एक बढ़िया सा क्रीपर फार्म, तो तुम उसके कुछ टाइम लैप्स देखो। ओके सो इधर फार्म पूरा हमारा बन चुका है एंड इट्स वर्किंग क्रेजी राइट नाउ। एंड अभी मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो यार इधर एक यार हमें सी मोन्यूमेंट भी मिल चुका है, एंड अभी इसका कोई अपन का यूज नहीं है। तो अपन अभी ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी इसके अंदर कितना गन पाउडर पड़ा है, अपन वो चेक कर लेते हैं। ओके तो इधर थोड़ा बहुत यार गन पाउडर पड़ा है जो कि लाइक सही है, चलो इतना अपन को चाहिए नहीं। तो यार अभी चलते अपन थोड़ी बहुत AFK के लिए, एंड उसके बाद अपने पास अच्छा खासा गन पाउडर आ जाएगा, एंड उसके बाद आई थिंक यार अपन एंड के लिए निकल सकते हैं थोड़ा बहुत। ओके सो बेसिकली अभी बहुत सादा ही AFK हो चुका है, लाइक आई थिंक अच्छा खासा हो चुका है, टाइमिंग का कोई हिसाब नहीं है लेकिन बट स्टिल अपन पहुंचते हैं। एंड इधर भी क्रीपर मर रहे हैं मे बी मेरे हिसाब से, एंड इधर स्पाइडर भी स्पॉन हो रहे क्या। ओके तो इधर 45 ओके लेट्स गो एंड डेड चेक, एंड इधर भी 56 लेट्स गो, एंड इधर अभी भी क्रीपर आ रहे भाई, मतलब इट्स लाइक टू क्रेजी फार्म, लाइक इतना गन पाउडर आई थिंक एक बारी के लिए इनफ रहेगा। सो आई मीन एंड गाइज, एंड यार अभी अपना सिर्फ एक मेन टास्क है जो कि है एंड सिटी को लूटना, जिसके अंदर अच्छे खासे शल्कर हो, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। एंड हाँ उसी की आसपास यार अपन जगह देख लेंगे जिधर आप अपना शल्कर फैक्ट्री बनाएंगे। 2000 years later. Literally guys, I was like roaming for 2 hours. Like मैं 2 घंटे घूम रहा था एंड सिटी को ढूंढने में, एंड इधर मुझे दो दो एंड सिटी मिल गई, वो भी शिप वाली, मतलब दो दो इलाइट्रा भाई यार, मतलब आर यू किडिंग मी। एंड भाई आई थिंक लाइक यार भाई आई एम द लकीस्ट वन हियर गाइज, अब यार दो दो इलाइट्रा हो जाएगी जीजीज। ये देख मेरे को दे दे मेंटिंग की पिकेक्स भाई चारों टॉप। एंड गाइज इसके साथ यार मुझे बहुत अच्छी यार लूट भी मिल गई थी, लाइक यार मतलब कुछ पिकेक्सेस एंड एवरीथिंग एल्स। एंड यार अब इधर यार तुम देख रहे हो यार जो यार इधर है ना खाली एरिया, हम इधर ही कहीं पे बनाएंगे यार पूरा यार फार्म। एंड बट उससे पहले यार मटेरियल भी तो इकट्ठा करना, तो वो करेंगे यार ओवरवर्ल्ड में जाके। सो गाइस यार बेसिकली यार हमें सबसे मेन चीज जो चाहिए वो है स्कैप फोल्डिंग, एंड वो चाहिए यार पूरी एक लार्ज चेस्ट भरी हुई। तो यार इसका मतलब यार हमें पूरी लार्ज चेस्ट चाहिए बैम्बू की। तो यार अब चलो यार बैम्बू तो यार अपन ऑटोमेटिक फार्म बनाए ना बनाए, अपन मैन्युअली काम कर लेते यार थोड़ा बहुत। एंड चलो यार अब बैम्बू कलेक्ट करते थोड़ा बहुत, इतने तुम यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है यार ऐसे प्रोजेक्ट्स को लाने में। Eventually.
सो बेसिकली अभी मेरे पास इतनी इन्वेंट्री हो चुकी है पूरे इनकी, मतलब जो भी बम्बू बम्बू कहेंगे आप पैसे, एंड अभी अपन को इतने बम्बू और चाहिए टू मेक लाइक दैट फार्म, दैट क्रेजी फार्म। ओके तो लेट्स गो उसी के लिए लगते हैं काम पे। सो गाइस यार बेसिकली हमारे पास यार इतनी सारी स्कैफोल्डिंग इकट्ठी हो चुकी है एंड यार इतने बैम्बू श्रिंक्स तो और मिल जाएगी एंड यार इतनी स्कैफोल्डिंग बन जाएगी। अब यार बात आती है यार हम इसे ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि यार हमारे पास शेल करनी है तो यार शायद हम यार ओवरवर्ल्ड एंड यार एंड के यार चक्कर काटने पड़ेंगे बारी बारी, तो यार हम वो भी काट लेंगे। बट यार तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस अगर तुम बेसिकली देखोगे तो यार हमारा ना अभी कुछ 20% या 15% हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है एंड अभी इसके ऊपर लेयर्स पे लेयर्स आएगी, तो यार उसके भी तुम्हें टाइमलैप्स में दिखाऊंगा एंड उनको एंजॉय करना। बट यार इधर ना यार हम तीन लोग यार पूरी अपने घिस चुके हैं एंड यस यार गाइस हम ऐसे यार अभी लगे रहेंगे इस प्रोजेक्ट की तरफ, क्योंकि यार एट लास्ट यार ये वर्थ इट रहेगा आई नो। तो बस अभी दोबारा से तुम टाइमलैप्स देखो एंड एंजॉय करो। ओके सो इधर यार हमने एक और लेयर चढ़ा दिए ऊपर एंड गाइस ऐसी पता नहीं कितनी कितनी लेयर्स अभी और बनानी है इस फार्म को यार बनाने में। तो यार दोबारा से कंटिन्यू करते अपने टाइम लैप्स एंड इस टाइम लैप के बाद ना यार अपना फार्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो चिल एंड रिलैक्स। ओके तो यार अपना फार्म तो कंप्लीट हो चुका है, बस उधर एक शल्कर लाना रह गया। बट इधर मैं एक बारी आ चुका हूँ एक्सपी फार्म के लिए, क्योंकि यार मेरे आर्मर की ना धज्जी ऐसी उड़ी हुई है, तो एक बार उसको रिपेयर कर लेते हैं एंड फिर दोबारा जाएंगे। ओके ऑलमोस्ट मैंने अपना पूरा आर्मर रिपेयर कर लिया एंड सारे टूल्स भी रिपेयर कर लिए, तो अब चलते हैं अपने मतलब दोबारा से एंड के अंदर। गाइज एक शल्कर को एक फार्म तक लेके जाने में हमने जितना टाइम लगाया उतना इस फार्म को बनने में टाइम नहीं लगा होगा भाई। डैट वॉज डैम हार्ड, मतलब हार्ड था या ईजी था पता नहीं, हमें बहुत टाइम लगा बट एट लास्ट वो हो गया है एंड अब लास्ट एंड फाइनल तुम्हें फार्म का शोकेस करना रह गया है। सो दिस इज दैट डैम गुड फार्म। ये दिखने में तुम्हें जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं भाई, इसकी हर एक स्कैप फोल्डिंग को अंदाजे से प्लेस किया गया है, हर एक एक रेड स्टोन को पूरे ढंग से प्लेस किया है, नहीं तो यार मतलब ये फार्म शायद काम भी ना करे या ना करे वो तो अभी हमें पता नहीं, अभी रिजल्ट्स आएंगे वो क्या काम करेगा। बट यार ये एंडरमैन जो है ना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे इतना पता है भाई, यार मतलब तंग करके छोड़ रखा है भाई इन्होंने। तो चलिए यार मैं तुम्हें एक मोमेंट दिखा देता हूँ यार जिधर यार मैं इस वर्ल्ड को लूज करने वाला था, तो यार वो देखो भाई यार मेरी टोटम पॉप हो गई थी बट एट लास्ट मैं सेफ था। ओके गाइस द फार्म इज वर्किंग क्रेजी राइट नाउ, देख रहे हो तुम मतलब कितने कितने शल्कर हो गए एक शल्कर से एंड अभी मुझे ना चश्मे जाके देखना है कि कितने आ चुके हैं। तो बेसिकली ये फार्म भाई यार मतलब कितना क्रेजी काम कर रहे हैं, मतलब सेकंडों के हिसाब से शिल कर आ रहे हैं। अभी इस फार्म में एक घंटा मुझे एफके करना पड़ा पूरा काम करने के लिए, मतलब अपना ये फार्म पूरा वर्क कर रहा है तुम जैसे देख रहे हो शिल कर यार। बट यार अब तुम ना यार लाइक कर देना, क्योंकि यार कुछ ना 50 घंटे लग गए होंगे इस प्रोजेक्ट में मेरे दोस्तों के यार, मतलब तो यार वो तुम सब वर्थ इट कर सकते हो बाय लाइक एंड सब्सक्राइब करके। एंड भाई अभी मैं जाता हूँ कुछ देर एएफके करने एंड फिर देखेंगे कितने शिल्कर, अभी 8 शिल्कर और मिल गए भाई, मतलब यार क्रेजी फार्म है यार ये एंड तुम देख ही रहो मतलब यार शिल्कर मर रहे बारी बारी। ओके तो अभी यार मैं कुछ थोड़ी देर ही एफके किया और मैंने अपने शल्कर के अंदर यार अभी इतने सारे शल्कर शेल रख लिए, आज इतना मैनेज नहीं है मेरा शल्कर यार तो उसे इग्नोर करना। तो यार चलो यार आज के लिए बस इतना ही यार, मिलते ही ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे ग्रेट टाइम, बाय बाय।